आज हम बनाएंगे पनीर काठी रोल। ये हमने 2.5 कप आटा ले लिया है, 2 कप हमने मैदा लिया है और आधा कप गेहूं का आटा लिया है। आप पूरा मैदा भी ले सकते हैं। आधा चम्मच नमक डाल देंगे और इसका हम आटा बनाएंगे। थोड़ा थोड़ा पानी करके डाल के हम मिला लेते हैं। हमने आटा लगा लिया है, आधा चम्मच ऑयल डाल देंगे। अच्छे से इसको एक बार और गूंथ लेते हैं। हमें इसका एकदम से सॉफ्ट डो बनाना है। ये हमने एक बर्तन में निकाल लिया है, गीला कपड़ा लिया है, इसको कवर कर देते हैं और 15 मिनट के लिए इसको हम छोड़ देंगे और स्टफिंग की तैयारी करेंगे। ये हमने कढ़ाई लिया है, उसको गर्म कर लिया है। 2 चम्मच हम तेल डाल देंगे और तेल को गर्म होने देते हैं। एक प्याज लिया है हमने, उसको बारीक काट लिया था, वो डाल देते हैं। इसको हमें अच्छे से भूनना है, ब्राउन करना है इसे। प्याज को हमने अच्छे से भून लिया है। आधा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट है, इसको भी भून लेते हैं थोड़ी देर के लिए। ये हमने भून लिया है। अभी हम 2 टमाटर डाल देंगे, उनको भी बारीक काट लिया था। साथ में थोड़ा सा नमक डाल देते हैं ताकि जल्दी से पक जाए, और पका लेते हैं टमाटर को भी अच्छे से। टमाटर को हमने अच्छे से भून लिया है। अभी मसाले डालेंगे। 1 चम्मच धनिया पाउडर है, 1 हरी मिर्ची हमने ली है, उसको भी बारीक काट लिया है। 1/2 चम्मच लाल मिर्ची है, आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। 1/2 चम्मच ही हल्दी पाउडर हमने लिया है और 1 चम्मच नमक, आप अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं। अच्छे से मिला के पका लेते हैं इसको भी हम कुछ देर के लिए। पका लिया है, 1/2 चम्मच गरम मसाला भी डाल देते हैं। अच्छे से मिला देंगे इसको। और अभी हमने लिया है 1 प्याज को, लंबा लंबा काट लिया था, उसको डाल देते हैं और कुछ देर के लिए हमें इसे पका लेंगे। ये हमने 1 मिनट के लिए भून लिया है। 1 शिमला मिर्च डाल देते हैं, इसको भी हमने लंबा काट दिया था। साथ में ही हम टमाटर डाल देते हैं, उसको भी हमने लंबा काट लिया था, और कुछ सेकंड के लिए इसको भी पकाएंगे। हमें इसमें सब्जियों को ज़्यादा नहीं पकाना है, हल्का इनमें क्रंच रहना चाहिए। एक मिनट तक हमने इनको भी पका लिया है। ये 200 ग्राम हमने पनीर लिया है, इसको डाल देते हैं। अच्छे से मिला देंगे और 1 मिनट तक इसे भी पका लेते हैं हम सारी चीज़ों को। अभी हम 1/2 चम्मच हमने कसूरी मेथी लिया है, उसको डाल देते हैं क्रश करके, और थोड़ा सा हम हरा धनिया डाल देंगे। गैस को कर देते हैं बंद। स्टफिंग हमारी तैयार हो गई है और इसको निकाल लेते हैं। रोटियां बना लेते हैं, और हटा देते हैं और थोड़ा सा आटे को हम चल लेंगे एक या दो बार। और अभी हम सूखा आटा लेंगे और वही तोड़ लेते हैं। और पतली पतली रोटियां हमें बनानी है इसकी। सूखा आटा लगा लेते हैं और इसको बेल लेते हैं हम।
ये हमने पतला बेल लिया है, अभी हम इसको सेक लेते हैं। हमें इसको ज्यादा नहीं सेकना है, दोनों तरफ से हल्का हल्का सेकेंगे। इसको पलट देते हैं हम और सेकने देते हैं। ये हमने सेक लिया है और इसको कपड़े पे निकाल के कवर कर देंगे अच्छे से, और फिर हम दूसरी बना लेते हैं ऐसे। हमने रोटियों को ले लिया है, इनके ऊपर हम घी लगाएंगे और अच्छे से इनको सेक लेंगे। दोनों तरफ लगा देंगे। हमने अच्छे से सेक लिया है, इसको निकाल देते हैं और दूसरी को भी हम ऐसे ही सेक लेंगे अच्छे से। ये हमने एक रोटी को ले लिया है, हरी चटनी लगा देंगे अच्छे से इसके ऊपर। ये हमने चटनी को लगा दिया है, अभी जो हमने स्टफिंग बनाई थी उसको लगा देते हैं अच्छे से। अभी हमने पत्ता गोभी और प्याज का सैलेड लिया है, उसको लगा देते हैं। आप अपनी पसंद से कोई भी सलाद लगा सकते हैं। थोड़ा हरा धनिया डाल देते हैं ऊपर से। अभी हम इसको फोल्ड करेंगे, यहाँ से दबा लेते हैं, इसको अच्छे से दबाएंगे। ये हमारा तैयार हो गया, ऐसे ही हम दूसरा बना लेंगे। ये हमारा बनके तैयार हो गया है।